नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस आपके YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाता है रोज वीडियो जो होते हैं, सुबह करंट अफेयर का, रीजनिंग का और हिंदी का वीडियो दोस्तों, और शाम को आपको प्रोवाइड करवाता है साइंस और राजस्थान जीके का। कहने का मतलब टारगेट एजुकेशन क्लासेज आपको तैयारी करवाता है गवर्नमेंट जॉब की, जो धीरे धीरे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाने लग जाएंगे दोस्तों। हम अभी तक जो है अपनी रीजनिंग और हिंदी, राजस्थान जीके जिसमें आर्ट और कल्चर अपना चल रहा है, और साथ में साइंस और उस एक जो अपना बच गया वो है करंट अफेयर जो सुबह 8:30 बजे आपको मिलता है दोस्तों। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहिए दोस्तों, तो आपकी तैयारी में हम कोई भी कमी नहीं रहने देंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इस सेशन की, तो इस सेशन में अपन लेके आए हैं आर्ट और कल्चर का एक बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला का दोस्तों आज ये सेकेंड पार्ट है। एक पहला पार्ट जो है अपना वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप पहला पार्ट जरूर देखें दोस्तों। चित्रकला का पहला पार्ट है और ये आज जो है वो अपना दूसरा पार्ट है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों थोड़ी मैं क्वेश्चन कम डाल पाया, क्योंकि टाइपिंग की वजह से दोस्तों क्वेश्चन बन नहीं पाए थे, उसकी वजह से मैंने कम क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक दोस्तों जरूर पहुँचाएँ। ये एक टेस्ट सीरीज के रूप में दोस्तों आपके पास है, इसमें आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊँगा जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, और फिर आप देखना जब मैं उत्तर करवाऊंगा कि उसका ये ऑप्शन सही है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर मान लो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, उनमें से आपने 12 क्वेश्चन किए, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 15 में से 5-6 क्वेश्चन आप सही कर पाए, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है दोस्तों। ऐसे टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाया करें, जिससे क्या होता है कि आपकी तैयारी जो है वो दोस्तों अच्छी होती है। आर्ट और कल्चर की बात करें तो राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, चाहे मैं हाईकोर्ट की बात करूँ, सभी में दोस्तों पूछी जाएगी। तो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राव मालदेव के समय कौन सी चित्रशैली प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए जोधपुर चित्रशैली, ऑप्शन बी बीकानेर चित्रशैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ चित्रशैली, ऑप्शन डी अजमेर चित्रशैली। दोस्तों बात ये चारों शैलियाँ हैं वो आपको पता होगी, कल ही मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मारवाड़ चित्रशैली की ये चारों शैलियाँ हैं। तो राव मालदेव के समय जो चित्रशैली प्रारंभ हुई थी वो हुई थी दोस्तों जोधपुर चित्रशैली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो गया, जोधपुर चित्रशैली राव मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण का चित्र किसके समय चित्रित हुआ? ऑप्शन ए राव मालदेव के समय, बी ऑप्शन है सूर सिंह के समय, सी है जसवंत सिंह के समय और डी है मान सिंह के समय। दोस्तों भागवत पुराण का जो चित्र है वो चित्रित हुआ था सूर सिंह के समय, ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके समय चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है? किसकी चित्रकला में जो है मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी सूर सिंह, ऑप्शन सी है मालदेव, ऑप्शन डी है तख्त सिंह। तो बताइए दोस्तों किसके समय चित्रकला में मुगल प्रभाव जो है आपका दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय जो चित्रकला थी उसमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसके समय नाथों का प्रभाव अधिक रहा? ऑप्शन ए मान सिंह राठौड़ के समय, ऑप्शन बी तख्त सिंह के समय, ऑप्शन सी दुर्गादास राठौड़ के समय, ऑप्शन डी सूर सिंह के समय। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों जो है मैं बात करूं मान सिंह राठौड़ के समय नाथों का प्रभाव दोस्तों यहां पे सबसे ज्यादा रहा था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहां पे सही उत्तर हो जाएगा, मान सिंह राठौड़ के समय जो है दोस्तों नाथों का प्रभाव अधिक रहा। इसमें सेव संप्रदाय से संबंधित चित्र दोस्तों अधिक चित्रित किए गए थे मान सिंह राठौड़ के समय। अगर पुस्तकों की बात करें दोस्तों नाथ चित्र जो है वो चित्रित किए गए, शिवपुराण जो किताब है वो चित्रित की गई, और दुर्गा चरित्र जो है वो दोस्तों किताब जो है चित्रित यहाँ पे की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिव पुराण पुस्तक किसके समय चित्रित की गई? ऑप्शन ए तख्त सिंह के समय, ऑप्शन बी मान सिंह के समय, ऑप्शन सी जसवंत सिंह के समय, ऑप्शन डी है सूर सिंह के समय। तो बताइए दोस्तों शिव पुराण पुस्तक किसके समय चित्रित की गई थी? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह के समय, ऑप्शन नंबर बी। तो मान सिंह के समय जो है वो शिव पुराण पुस्तक जो है वो चित्रित की गई थी। मैंने तीन बताई थी, नाथ चित्र, शिव पुराण और दुर्गा चरित्र, सॉरी नाथ चरित्र,
शिव पुराण और दुर्गा चरित्र तीनों जो पुस्तक है वो इस समय चित्रित की गई थी। किस समय? मानसिंह के समय। अगला प्रश्न है, एच के मुल्लर ने किसका चित्र घोड़े पर बैठकर बाले से रोटी सेकते हुए बनाया? कहने का मतलब एच के मुल्लर ने एक चित्र बनाया, तो उस चित्र में जिस राजा को उसने चित्र बनाया था वो राजा भाले घोड़े के ऊपर बैठ के और भाले से, भाले के जो आगे का हिस्सा जिसको अणी बोलते हैं, तो भाले के आगे के हिस्से से जो है वो रोटी सेकते हुए का बनाया था, रोटी पकाते हुए का बनाया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए दुर्गादास राठौड़ का, ऑप्शन बी राय सिंह का, ऑप्शन सी जसवंत सिंह का, ऑप्शन डी सूर सिंह का। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन नंबर ए दुर्गादास राठौड़ का उन्होंने चित्र बनाया एच के मुल्लर ने। दुर्गादास राठौड़ घोड़े पर बैठकर जो है भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया था दोस्तों, और इसके लिए एक लाइन भी दोस्तों यहाँ पे लिखी थी कि 24 घड़ी 8 पहर भुड़ले ऊपर वास, 24 घड़ी 8 पहर भुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास। कहने का मतलब 24 घड़ी मतलब 24 घंटे और 8 पहर, चार पहर दिन के चार पहर रात के वो घोड़े पर ही वास करते थे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। सेल अणीसु सेक तो सेल का मतलब जो भाला होता है उसकी अणी मतलब जो आगे का टीका हिस्सा होता है ना, तो सेल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास, तो ये जो है लाइन उनके लिए बोली गई थी दुर्गादास राठौड़ जी के लिए, और उनका चित्र बनाया एच के मुल्लर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्र शैली में प्रेम कहानियों पर आधारित अधिक चित्र चित्रित किए गए? तो दोस्तों ऑप्शन ए जोधपुर चित्र शैली, ऑप्शन बी बीकानेर चित्र शैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ चित्र शैली, ऑप्शन डी अजमेर चित्र शैली। तो दोस्तों जब प्रेम कहानियों की बात आ गई तो ये क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जोधपुर चित्र शैली के अंदर जो है वो प्रेम कहानियों पर आधारित अधिक चित्र चित्रित किए गए थे। चाहे महेंद्र मुंबल की बात करें, ढोला मारू की बात करें, वीरमदेव की बात करें, या फिर सोनग्रा के चित्रों की अपन बात करें दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जोधपुर चित्र शैली का प्रमुख कलाकार नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर जो है ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े टप जरूर पड़ते हैं दोस्तों। तो ये जो है जोधपुर शैली का प्रमुख कलाकार नहीं है, ऑप्शन ए शिवदास भाटी, ऑप्शन बी नारायण दास, ऑप्शन सी किशन दास, ऑप्शन डी हिसामुद्दीन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिसामुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी हिसामुद्दीन उस्ता जो है वो उस्ता कला के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाराजा राय सिंह के समय कौन सी चित्र शैली प्रारंभ हुई? महाराजा राय सिंह की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए जोधपुर चित्रशैली, ऑप्शन बी बीकानेर चित्रशैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ चित्रशैली, ऑप्शन डी अजमेर चित्रशैली। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी ये पूछा जा सका है चुका है कि महाराजा राय सिंह के समय कौन सी चित्रशैली प्रारंभ हुई, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर चित्रशैली, ऑप्शन नंबर बी। तो बीकानेर चित्रशैली जो है वो महाराजा राय सिंह के समय प्रारंभ हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है, किसका शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शासनकाल जो है या किसका शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? ऑप्शन ए महाराजा राय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन सी महाराजा करण सिंह, और ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्र कला का जो है वह स्वर्ण काल माना जाता है। तो किसकी बात की यहाँ पे अपन ने? महाराजा अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पहले भी जैसे बताया था कि आज मैं आपके लिए कमी क्वेश्चन लेके आ पाया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ दोस्तों, माफी मांगता हूँ कि आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाया, लेकिन अगले वीडियो में मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें दोस्तों, लाइक शेयर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पर सर्च बार में आप क्लिक करें, लिखें टारगेट एजुकेशन क्लासेज और टारगेट एजुकेशन क्लासेज, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और टाइम टेबल का जैसे आपको पता ही है सॉरी कि अपने फिक्स टाइम पे दोस्तों जो है क्लासेस चलती हैं रोज़ सुबह 8:30 बजे, 3 क्लासेस सुबह चलती हैं, 2 क्लासेस शाम को चलती हैं। सुबह जो क्लास चलती है वो 8:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है दोस्तों, और 10:30 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास होती है, 11:15 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है,
और शाम की अगर मैं बात करूँ तो शाम को 8 बजे अपनी साइंस की लगती है, सप्ताह में 3 दिन, और सप्ताह में 3 दिन आपको मिलता है राजस्थान जीके, जिसमें अपना चल रहा है राजस्थान का आर्ट और कल्चर। दोस्तों कल जो आपको वीडियो मिला था वो दोस्तों साइंस का मिला था, कंकाल तंत्र का बहुत ही अच्छा वीडियो था दोस्तों, तो वो वीडियो अभी आप जाके जरूर देखें दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो था। अगर PDF आपको उनकी चाहिए तो दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम का चैनल जो है आप जाके सर्च कर सकते हैं टारगेट एजुकेशन क्लासेस से आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, अपनी तैयारी जारी रखिएगा।